मॉर्निंग वेलकम सत्यम पवन प्रियांश संचिकला निशांत ज्योत्सना शांतनु श्वेता। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बेटा हम एकदम बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक, सब फाइन, सुपर फाइन। और ये आशा करते हैं कि आप सब बच्चे बहुत कुशल होंगे, सेफ और सुरक्षित होंगे। मिनट रुक जाओ बच्चों। चलिए दोस्तों, तो बच्चों एवरेज टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा। बेटा एवरेज के बारे में हमने आपको डिटेल में पूरा कंसेप्ट सिखाया, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितने भी एवरेज के सवाल बन सकते हैं बच्चों, उन सबको अपन बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, धीमे धीमे बेटा पूरा पढ़ रहे थे। और टॉपिक को बेटा आप लोगों ने डिटेल में पूरा कर लिया, हर एक बेटा छोटी बड़ी बात आप लोगों ने पूरी कर ली। बेटा मुझे बताओ एक बार, एवरेज की पीडीएफ कितनी मिल गई आपको? बेटा एवरेज की पीडीएफ कितनी मिल चुकी है? चार या पांच? बेटा कई बच्चे कह रहे हैं चार मिली है, कई कह रहे हैं पांच मिली है, ऐसा क्यों भाई? हाँ बस अपडेट में चार ही आई हैं, बस पांचवी बाकी है। बेटा चार पीडीएफ आप तक पहुंच गई है, पांचवी मैंने सेंड कर दी है। अभी आप तक पीडीएफ पांचवी आ गई होगी ना, नोटिफिकेशन आ गया होगा बेटा पांचवी पीडीएफ का। चलिए बच्चों बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों एवरेज टॉपिक यानी कि औसत आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आज बेटा आज की क्लास में हम आपको एक बहुत आवश्यक चीज बताने वाले हैं। कैलकुलेशन के लिए आप लोगों की एक डिमांड थी बेटा, मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बेटा, बीच में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे जिनमें मैंने आपको ये कहा था कि आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिजिटल सम का लॉजिक लगा दीजिए। डिजिटल सम का बेटा मैंने लॉजिक बताया था कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये तरीका हमारे उन क्वेश्चंस के लिए रामबाण इलाज बनता है बेटा, जहां पे हमारे लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। देखिए ऑप्शंस से हम अपने सवालों को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। बहुत बार जब आपके सामने कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है बेटा, थोड़े तरीके आपके लिए उल्टे सीधे बन जाते हैं, बड़े बड़े गुणा भाग करने पड़ते हैं, तो वो सब करने की बजाय कई बार रूल ऑफ नाइन से चीजें बहुत इजी बन जाती हैं। तो आज बेटा मैं आपको ये डिजिटल सम यानी जिसे बोलते हैं रूल ऑफ नाइन क्या होता है, इसके बारे में पूरी बातें समझाने वाला हूं। आज की क्लास को पढ़ने के बाद बच्चों आपको डिजिटल सम नाम के कंसेप्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, रूल ऑफ नाइन क्या होता है आप सब बालक बहुत डिटेल में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो बेटा कहानी क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, आप ये सुनो। पहले बोलते हैं जी व्हाट इज रूल ऑफ नाइन। बेटा रूल ऑफ नाइन एक्चुअल में होता क्या है, जरा मेरी बात समझिएगा। मैं आपको कुछ आसान से एग्जाम्पल से बेटा स्पष्ट करना चाहता हूं, गौर कीजिए बात पे। एक नंबर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो मैंने आपको मान लो कोई संख्याएं दी हैं, 3 2 4 5 6 प्लस 8 1 3 7 2 4 3 प्लस 5 1 2 8 6। दोस्तों मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब हमारे पास पेपर में ऑप्शंस तो मिलते ही मिलते हैं, और ऑप्शंस आपको कुछ उटपटांग दिए गए थे। मैं आपको डायरेक्टली इसका उत्तर लिखकर बता रहा हूं कि हम ऑप्शंस को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने विकल्पों को सेटिस्फाइड कैसे करवा सकते हैं।
दोस्तों इनका मैंने जोड़ किया है वो आया 80,20,985। ये मैंने आपको प्रॉपर इनको जोड़ के बताया है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में सपोज कीजिए किसी सवाल के बीच में आपको ये वाला काम करना पड़ गया, इनको जोड़ना पड़ गया और ये ऑप्शंस था, तो हम अपने ऑप्शंस को वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो बेटा डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम होता है जी अंकों का योग, और अंकों का योग आपको करना है सिंगल डिजिट तक। जैसे मैंने आपको बताया 3, 2, 5, 3 कि सब इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, तो आप देखो ऐसा करेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, इस 13 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 बनेगा बेटा। इस नंबर का डिजिटल सम कितना बनेगा? 4। एक एग्जांपल और देखो बेटा 8, 2, 3, 7, 5, हम जानना चाहते हैं इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, तो आप ये कहना 8, 2, 10, 3, 13, 13 और 7, 20 और 5, 25, 25 का मतलब 2 और 5 कितना हो गया 7। सिंगल डिजिट में लेके आना है बच्चों, एक डिजिट में लेके आना है, चाहे कोई भी संख्या हो, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, आप उसे घुमा फिरा के उनको जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट में ले आओगे। आ रही है बात समझ में? एक एग्जांपल और देख लो 6, 2, 3, 7, 5, 8, 2, बेटा डिजिटल सम क्या बनेगा? 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18 और 5 23 और 8 31 और 2 33, 3 और 3 का मतलब कितना हो गया 6। तो कोई भी नंबर हो बेटा आप उसको सिंगल डिजिट में इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल डिजिट में जोड़ना बेटा बहुत ही आसान काम होता है, सिंगल डिजिट में उनको लिखना बहुत ही इजी टास्क होता है। आपने कहा जी हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका एक तरीका और भी होता है, सेकंड क्या देखो बेटा, एक्चुअल में ये ना 9 से कट जाता है। जैसे मैं 13 में अगर 9 का भाग दो बेटा, 13 में 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना 4 ही बचेगा भाई। 13 में अगर 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना 4 ही बचेगा, वही तो डिजिटल सम है बेटा। 25 में अगर 9 का भाग दूंगा, 9 × 2 = 18, रिमाइंडर कितना 7 बचेगा, शेषफल कितना 7 आएगा, और देखो 7 ही इनका डिजिटल सम है बेटा। 33 में अगर 9 का भाग दूंगा तो आपका भाग जाएगा 27 तक, रिमाइंडर 6 बचेगा, और यही तो डिजिटल सम है। मतलब बच्चों आपको ये बात सीखनी है कि डिजिटल सम संख्या को 9 से काटने पर जो रिमाइंडर बचता है ना वही होता है। कोई भी नंबर को अगर मैं 9 से काटूंगा जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज माई डिजिटल सम बेटा, वही हमारा डिजिटल सम होता है, वही हमारे अंकों का योग होता है। अब देखो इस सवाल में बेटा मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूं क्या कि 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब ये 1 हो गया। प्यारे बच्चों 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में आप 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर भी 1 आएगा, और 10 के अंकों को अगर जोड़ लोगे, 10 के अंकों को अगर जोड़ लोगे तो भी कितना बनेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये 3 और 1 कितना हो गया 4। डिजिटल सम चेक करना इतना आसान है, 4 हो गया। एक बार और समझो, मैं इस सवाल की देखो बात करूं दोस्तों, 7 और 3 10, 10 और 8 18, क्या बच्चों ये 18 बताओ 9 से पूरा पूरा कट गया क्या? अरे आपको 9 या 9 का कोई मल्टीपल दिख जाए उसे काट दीजिए, उसका कोई यूज नहीं है। तो बेटा डिजिटल सम कितना 7 बच गया, 5 और 2 7, आपने कहा जी हाँ। प्यारे बच्चों यहां देखो एक बार, 6 और 3 9 काट दीजिए, 7 और 2 काट दीजिए, 8 और 2 10 का मतलब 1 होता है बेटा, 8 और 2 10 का मतलब 1 होता है, तो 5 और 1 कितना आ गया 6। डिजिटल सम के लिए आप सारे अंकों को जोड़ सकते हैं, और उससे भी बेहतर काम ये होगा कि अगर आप 9 के मल्टीपल काट लें, तो प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डिजिटल सम हमेशा सेम आना चाहिए। सेम कैसे जरा गौर कीजिए, एक बार मैं अपने इस सवाल का बेटो, एक बार मैं अपने इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आपको चेक करके बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। 4 और 5 9 कट जाता है क्या बेटो? 4 और 5 9 काट दो, 6 और 3 9 काट दो, यानी 9 के मल्टीपल मैंने काट दिए बच्चों। इस पहली संख्या का डिजिटल सम 2 बन गया क्या? इस पहले नंबर का डिजिटल सम 2 बन गया,
अच्छा जी, अगली बात कर लो। देखो, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 3 7 3 10। 10 का मतलब बच्चों एक होता है कि सेकंड वाले नंबर का डिजिटल सम एक बनेगा। क्या बेटा? सेकंड वाले नंबर का डिजिटल सम एक बनेगा। बहुत बढ़िया। देखो, 8 और 1 9 काट दीजिए, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब बेटा 4 बनेगा। बोलो भैया, ये 2 बन चुका है, ये 1 बन चुका है, ये 4 बन चुका है। जी हाँ। अब दोस्तों इन तीनों का जोड़ कर लो, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 और 4 7, यानी टोटल 7 बन गया। दोस्तों आपका जो भी उत्तर बनेगा, आपका जो भी आंसर आएगा, उसका डिजिटल सम भी 7 आएगा। बेटा उसका डिजिटल सम भी कितना आएगा? 7। चेक करते हैं। देखो, 9 कट गया, 8 2 8 16 और 2 18, मैं 9 के मल्टीपल काट लेता हूं, इससे अपनी कैलकुलेशन और इजी बन जाएगी। 8 8 16 और 2 18, तो बच्चे क्या बच गया? 2 और 5 7। तो इसका मतलब ये संख्या का ऐड एकदम सही है, हमको पूरा पूरा ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम ऑप्शंस को देख के बेटा वेरीफाई करते हैं। इस तरीके का नाम ही ये है कि ऑप्शंस को कैसे जजमेंट किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शंस को वेरीफाई करने के लिए, प्यारे बच्चों ऑप्शंस को कंफर्म करने के लिए, इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। आपने केवल और केवल एक छोटी सी बात को देखना है बच्चे, कि इन संख्याओं का डिजिटल सम क्या है। जब हमारे सामने पेपर में ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस पे ये 8 लगाकर हम जल्दी से अपना उत्तर चेक कर पाएंगे। हर छोटे छोटे सवाल पे नहीं लगाना बेटा, जहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लगे। बेटा अगर आपको कैलकुलेशन बड़ी लगे तब आपको ये काम करना है, तब आपको ये बेटा सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो अगर कभी 2 ऑप्शन के डिजिटल सम सेम आए ना, तब ये तरीका मत लगाना। जब कभी आपको 2 ऑप्शन के डिजिटल सम सेम लगे ना, तब तरीके और भी होते हैं, यूनिट डिजिट होता है बेटा, कैलकुलेशन करने के बहुत जुगाड़ होते हैं। लेकिन जब भी आप ये तरीका लगाएं, तो पहले देख लें कि क्या ऑप्शंस के सारे डिजिटल सम अलग अलग बन रहे हैं। अगर सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग बन रहे हैं, तो आपका ये तरीका 100% काम करेगा। एक छोटी सी बताओ हिंट वाली बात आपको समझ में आई क्या? थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आया क्या कि चाहे, और देखो ये प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई के लिए तो बेटा रामबाण चीज होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए तो रामबाण चीज होती है। आप ऑप्शंस को देखकर ये चीज क्वालिफाई करेंगे। जैसे देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूं सिंगल डिजिट क्या बनेगा। बेटा सिंगल डिजिट क्या बनेगा, मेरी बात समझना। ये पहली संख्या है, इसका मैं अगर डिजिटल सम ज्ञात करना चाहता हूं, देखो 9 का तो कोई यूज ही नहीं है। डिजिटल सम ज्ञात करने में 9 या 9 का मल्टीपल आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है सर, 8 और 4 12, 12 और 3 15। दोस्तों 15 का मतलब 6 बनेगा क्या? बोलो बेटा 15 का मतलब 6 बनेगा। अरे भाई 15 में 1 और 5 को जोड़ूंगा तब भी 6 आएगा। दोस्तों 15 में 9 का भाग दूंगा तब भी 6 आएगा। कैसे मर्जी कर लो, मेरे हिसाब से अंकों को जोड़ना ज्यादा इजी है। 6 और 3 9 काट दीजिए बेटा, बताओ इसका डिजिटल सम 7 बन रहा है क्या? हाँ। 8 और 1 9 बेटा डिजिटल सम कितना? 5 बन रहा है क्या? हाँ। 7 और 2 9 बेटा डिजिटल सम कितना? 5 बन रहा है क्या? हाँ। 6 और 3 9, 9 का मतलब बच्चों ये 3 बन रहा है क्या? तो एक्चुअल में आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सवाल दोस्तों आपका इतना सा सिंपल था, सवाल दोस्तों आपका इतना इजी था। 6 और 7 13, 13 और 5 18। देखो आप यहां फिर से काट सकते हो, 6 और 7 13 और 5 18 फिर से कट जाएगा। बेटा 18 में 18 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 बचता है ना, इसे फिर से काट दीजिए। कुल मिलाकर क्या बचा? 5 में से 3 गए 2। तो आपका जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 2 आएगा। बेटा इस ऊपर वाले जोड़ को अगर करूंगा तो डिजिटल सम 2 आएगा। और देखिए मैं आपको एक बार इनका जोड़ यानी कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं, ताकि अपना टाइम बच जाए
बेटा हम यहां जोड़ करना नहीं सीख रहे हैं, हम यहां सीख रहे हैं डिजिटल सम करना। तो इनका जोड़ बन रहा है बेटा 22,340, इनको मैंने जोड़ा है तो ये एक्चुअल में 22,340 बन रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डिजिटल सम दो ही बचेगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, 4, 3, 7 और 2, 9 बेटा सम कितना बन गया। तो जब कैलकुलेशंस करने की बात आती है और हमें ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग नजर आता है तो हम डायरेक्टली इस चीज को अप्रोच कर पाएंगे, डायरेक्टली इस बात को समझ पाएंगे। अरे बोलो बेटा, थोड़ी सी बात आपको समझ में आई क्या? इसका मल्टीप्लाई बन रहा है जी 204,544। बेटा 9 जून से अपना एडवांस मैथ का बैच आ रहा है, 9th ऑफ जून से एडवांस मैथ का बैच आ रहा है और काफी सोच विचार कर, काफी संघर्ष करके, काफी बेटा उम्मीद करके हमने आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, दैट टॉपिक नेम इज एलजेब्रा। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे का बैच आएगा और एलजेब्रा टॉपिक आप पढ़ेंगे बच्चों। 101% गारंटी दे रहा हूं बच्चे, 101% यकीन दे रहा हूं। उसे पढ़ने के बाद आपका कोई भी सवाल एलजेब्रा का गलत गलत नहीं होगा। हम उन क्वेश्चंस को करने में टाइम थोड़ा आपका ज्यादा ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज्यादा कह सकते हैं। बेटा नंबर सिस्टम ना पहले मैं एक बार पढ़ा चुका हूं बेटा, लेकिन उसको भी दोबारा मैटर बन रहा है बेटा, नंबर सिस्टम का मैटर दोबारा बन रहा है। नंबर सिस्टम दोबारा ही आपका स्टार्ट होगा, चिंता मत कीजिए, इसके साथ साथ ही स्टार्ट कर दूंगा बेटा। एलजेब्रा की रिकॉर्डिंग एक बार भी अवेलेबल नहीं है, एक बार भी बेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं अभी सोच विचार किया बेटा, नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा और मैं काम कर रहा हूं, उस पे थोड़ा और बढ़िया प्रकार से ज्यादा क्वेश्चंस ऐड करके ज्यादा प्रैक्टिस शीट बनाकर बेटा दे रहा हूं आपको, ताकि और भी बेटा शानदार बात कर पाए। बेटा 9 से 11 संभव नहीं है बेटा, 9 से 11 मैंने ट्राई किया था लेकिन बात बन नहीं पा रही, 9 से 11 बेटा संभव नहीं है। सारे टॉपिक होंगे चिंता मत करो बेटा, अभी क्या है ना, नंबर सिस्टम पहले हमने एक बार करवाया था तो थोड़ा थोड़ा उसका कंसेप्ट आप लोगों ने किया, कुछ बातें बाकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी की बेटा जो क्लासेस है वो भी आपको मिलेंगी, चिंता की बात नहीं है। अभी अभी सारा गेम बता दूंगा बेटा, 10 से 11:30 होगा बेटा, क्लास का टाइम तो 10 to 11:30 होगा, पर कभी कभार उसको एक्सटेंड करके अपन खींच लिया करेंगे 11:40-45 तक, क्योंकि बेटा एडवांस करने में टाइम अधिक लगता है बच्चों को, बच्चों के बेसिक्स बड़े कमजोर होते हैं। तो बेटा मैं आपको पहली क्लास में एक बात बोलता हूँ साहब, कि जितने बच्चों को एलजेब्रा पढ़ना हो, आप हो या आपके कोई मित्र हो जिनको एलजेब्रा लेवल जीरो से पढ़ना हो, जिनको लेवल जीरो से पूरा पढ़ना हो मेंस लेवल तक का, वो पहले ही दिन से क्लास ज्वाइन करें बेटा, फर्स्ट डे से क्लास ज्वाइन करें। अगर आप 4-5 दिन बाद में 7 दिन बाद में क्लास ज्वाइन करोगे बेटा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप नहीं जज कर पाएंगे, क्योंकि बेटा ये एडवांस के टॉपिक है, ये प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं, ये बेटा थ्योरीज पे काम करते हैं। तो हर टॉपिक में पहले अपनी थ्योरीज होती है, उसके अनुसार बेटा अपन प्रैक्टिस करते हैं। बेटा एडवांस पूरा करने में मेरे हिसाब से आपको लगेंगे करीब करीब 3 महीने पूरा। सबसे ज्यादा टाइम लेगा ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा जो टाइम बेटा आपको देंगे वो देंगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री टाइम आपका ज्यादा लेता है। बाकी एलजेब्रा बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नो बड़ी आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अभी मैंने वो बैच लाइव नहीं करवाया है, मैं आपको जल्द ही बेटा वो लाइव करवा दूंगा, और लाइव करवाते ही बेटा आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चिंता मत करो, ज्योमेट्री के डाउट सारे निकल जाएंगे आपके। एलजेब्रा पे 100% गारंटी लिखित में दी जाएगी। अगर पूरा कोर्स जिस बच्चे ने पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग को 2 बार देख लिया, शीट को 3 बार सॉल्व कर लिया, वो सभी बालक ध्यान रखना 100% आपके रिजल्ट की गारंटी होगी बेटा। अरे डर नहीं लगेगा एडवांस से बेटा, मनमोली एडवांस से तुम्हें मोहब्बत सी हो जाएगी, देखना सवाल देखते ही ऐसे कूद के सवाल करने का मन किया करेगा कि सारे काम छोड़कर पहले मैं एडवांस का सवाल करता हूं।
कभी मतलब इस प्रकार की बात हो जाएगी, सामने एक तरफ एडवांस का क्वेश्चन आएगा और दूसरी तरफ आपके कोई करीबी का फोन आएगा तो आप फोन नहीं उठाओगे, पहले एडवांस का सवाल किया करोगे। यार इसमें करने में मजा आता है, बेकार कुछ नहीं है राहुल, बेकार कुछ नहीं होता, सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। देखो जी, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं बेटा। अगर मैंने जो सवाल आपको बताया प्लस में, सेम क्वेश्चन आपका आएगा मल्टीप्लाई में, बस 10 दिन का आनंद लीजिए, उसके बाद आपका एडवांस का काम करेंगे बेटा। 3 और 2 कितने 5 बनेंगे, जी हां। 9 और 4 13, 13 को आप 4 लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसे 4 मान सकते हैं, जी हां। 8 6 14 का मतलब बच्चों 5 बनेगा, 8 और 6 14 का मतलब 5 बनेगा, 5 बनेगा बच्चों, हो गया। अब इसे मैं अगर गुणा भी कर लेता हूं, देखो 5 चौका 20, 20 5 100 बेटा, डिजिटल सम कितना 1 बनेगा, 100 का डिजिटल सम 1 ही बनेगा। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम करना है वो चिंता मत करो बेटा, नंबर सिस्टम भी करवाऊंगा, टॉपिक सारी करवाऊंगा आपको, ये तो आप मानो कि सिस्टम आपका बढ़िया सेट बैठ रहा है, ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता ही जा रहा है और आप टॉपिक पढ़ते ही जा रहे हो। यू नो बेटा, प्रोफाइल अनअकैडमी पर अपना जो सिस्टम क्लास स्टार्ट हुई है वो रीजनिंग के एजुकेटर के लिए है। हमारी प्रोफाइल में नाम रीजनिंग के एजुकेटर का ही आता है कि भैया रीजनिंग के मास्टर है, दुनिया में जानते हुए रीजनिंग के हिसाब से। ये तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हो गया था, मेरी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, मेरे पास कोई और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बेटा, फ्री टाइम को अच्छे से करने के लिए आपके साथ मैथ शुरू कर लिया। और मैथ शुरू करते करते आपको मैथ पूरी समझने लग गई, हमने कुछ टॉपिक करवाए थे, फिर बच्चों ने पूरा ही कोर्स डिमांड कर लिया, तो हमने अर्थमेटिक का पूरा ही कोर्स करवा दिया। अब अर्थमेटिक उनको समझ में आ गई, अब कह रहे जी आप एडवांस करवा दो, तो एडवांस में भी आ गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी बात। लगता रीजनिंग का मास्टर है भैया, उसे बताओ रीजनिंग के मास्टर को मैथ भी आती है, उसने मैथ पढ़कर ही एग्जाम पास करा होगा। सुनो भाई बेटा, देखो इसमें डिजिटल सम एक बना, तो अगर आप मल्टीप्लाई की बात करोगे, 5 और 4 9, खत्म बात। 4 4 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1। तो बेटा चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत इजी है, बस आपको डिजिटल सम याद करके बताना है कि हम इन क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बोल रहा हूं, 18 है, 18 इसका क्यूब आपको पता है ना 5832 होता है, सारे बच्चों को पता है इसका क्यूब होता है 5832। अब देखो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये 18 गुणा 18 गुणा 18 है, 18 × 18 × 18, तीनों चीजें। देखो ये डिजिटल सम जीरो बन रहा है क्या बेटा, 1 और 8 को काट दूंगा जीरो बनेगा। अब भैया जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई का यूनिट जो डिजिटल सम है जीरो बनेगा बेटा। अरे जीरो का आपने गुणा किसी से भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, आगे कुछ भी होता मैं चेक नहीं करता। 8 और 5 13, 3 16 और 2 18 का मतलब कितना हो गया जीरो। तो मतलब अगर कभी बात आती है प्लस माइनस की, कभी बात आती है मल्टीप्लाई की, और ऑप्शन में डिजिटल सम अगर अलग अलग बन रहे हैं, तो हम वो मल्टीप्लाई या गुणा भाग करने की बजाय डायरेक्ट इस तरीके को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इस बात को समझ पाएंगे बेटा। इस पर बहुत अच्छे से अभ्यास करने के लिए मैं आपको कुछ आसान आसान से देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल की बात को ट्राई करना, एग्जाम्पल की बात को समझना। पहले मेरी बात समझो, ये अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले बेटा मैं ये सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। चलो पहले ऊपर वाला भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये भी कर लो आप, फिर कहोगे सब एक क्यों छोड़ दिया आपने, यही होता है जो बीच में एक छोड़ दें। हाँ मेरे भाई, वो मैंने भी देखा, थोड़ा वॉइस का इश्यू आ रहा है, उसको अपन ठीक करवाएंगे बेटा, आज ही करवा देंगे। 4 दो 6 और 3 9, ये जीरो बन गया। 7 8 15 और 5 20, 20 का मतलब 2 बनेगा बराबर, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है माइनस। 7 4 11 1 12 का मतलब 2 बनेगा, सॉरी 3 बनेगा प्लस। 5 4 9 और ये 7 बनेगा। मैंने जो ये लाइन लिखी है
एट माइनस जीरो प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन है, क्या ये बात आपकी समझ में आई? क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? दोस्तों अब मेरी एक बात समझना, देखो ये कितना बन रहा है, दस बन रहा है क्या? दस, आठ और दो कितना बन रहा है? दस, और ये कितना बन रहा है? चार, यानी दस बराबर एक्स प्लस चार। दोस्तों एक्स का डिजिटल सम छह बनना चाहिए क्या? एक्स का डिजिटल सम कितना? छह बनना चाहिए क्या? एक्स का डिजिटल सम कितना? छह बनना चाहिए क्या? अब देखो जी, किसी बच्चे ने गलती से बोला, उसने कहा कि सर मैंने तो ना एक और जीरो को जोड़ लिया था तो एक हो गया था, अब एक माइनस चार करूंगा तो माइनस तीन बनेगा। बेटा डिजिटल सम माइनस में कभी नहीं होता, अगर ये माइनस तीन बन रहा है ना तो इसमें नौ जोड़कर इसको छह कर लो, हम नौ नौ तो काटते ही है ना बेटा, तो माइनस तीन में हमने नौ जोड़कर छह कर लिया, माइनस तीन में हमने नौ जोड़कर छह मान लिया। बोलो आई बात समझ में इतनी? सेकेंड वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, दूसरे सवाल की मैं आपको बात बता रहा हूं, सेकेंड सवाल में एक्चुअली क्या है, पांच और एक छह और छह बारह, बारह का मतलब तीन लिख दूं, गुणा एक और एक दो, दो बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तीन 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 नौ हो गया, नौ का मतलब जीरो, गुणा सात सात चौदह, चार का मतलब बेटा पांच हो गए, प्लस चार बराबर एक्स गुणा दो। क्या ये बात आपको इतनी समझ में आई? तीन गुणा दो माइनस जीरो गुणा पांच प्लस चार, जी हां बेटा, तीन गुणा दो होते हैं छह, पांच का जीरो से गुणा करोगे जीरो ही आएगा और प्लस बनेगा चार, दस बराबर एक्स गुणा दो। दोस्तों आगे बात, दस, दस का मतलब दस बटे दो बराबर एक्स है, दोस्तों एक्स का मतलब बताओ पांच बनना चाहिए क्या? फाइव, एक्स का मतलब फाइव आ जाएगा। दोस्तों ये जो पांच आया है, अब मैं ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेता हूं, जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट फाइव आएगा वही मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा, दोस्तों वही मेरे क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा, वही मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर? आइए बात करता हूं, पांच और चार नौ, सात और पांच बारह, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह का मतलब बेटा छह बनता है, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। चार पांच नौ, सात दो नौ, यहां देखो पांच बन रहा है, बाकी के ऑप्शन भी वेरीफाई करना बेटा, बाकी के ऑप्शन भी वेरीफाई करना, बाकी के ऑप्शन भी क्लियर करना, सात और दो नौ, पांच और चार नौ, तो यहां बेटा दो बन रहा है, ये उत्तर नहीं है। छह तीन नौ, छह पांच ग्यारह, दो तेरह का मतलब चार, क्या बच्चों आपका उत्तर केवल यही पांच आएगा क्या? भाई जो डिजिटल सम, आप मुझे वैसे बता दो कि अगर आप इस सवाल में मल्टीप्लाई करते और आप ये तरीका करते, दोनों में से आपके लिए इजी क्या होता बेटा, दोनों में से आपके लिए कंफर्ट क्या होता? ऑफ कोर्स डिजिटल सम पड़ेगा भाई, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कौन कर पाएगा? 5016 को 1001 से गुणा करूंगा, फिर 333 को 77 से गुणा करूंगा, फिर उसमें मैं 22 जोड़ूंगा, उसको 11 से भाग दूंगा, तो आपका तो बहुत टाइम बीत जाएगा ये सारा काम करने में। बेटा हम इतना टाइम खर्च नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने सवाल को इजी तरीके में सॉल्व करेंगे, ऐसा समझो। एक बार उत्तर आप में से कोई नहीं बताएगा, आप दो मिनट का टाइम लीजिए और सोचिएगा आपके कॉमन सेंस से कि उत्तर क्या बनना चाहिए। दोस्तों अपन डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद में, आप आराम से लीजिएगा। तो बताया तो था आपको छह और चार दस का मतलब बताया था, एक आएगा, बताया क्यों नहीं? अवधेश बेटा थोड़ी शांति कर ले एक मिनट, थोड़ा मन में यकीन कर ले एक मिनट।
हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगता, अब आप मुझे इतना बता दो बेटा, सात और दो का मल्टी सम करूंगा नौ बनेगा, डिजिटल सम जीरो बनेगा क्या? तो अब इसके गुणा में चाहे तीन हो चार हो छह हो आठ हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो डिजिटल सम तो जीरो आना चाहिए, जिसमें जीरो आ गया उसका डिजिटल सम जीरो ही बनेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। आप देख लो, नौ चार पांच नौ, तीन दो पांच चार नौ, डिजिटल सम जीरो बन गया दोस्तों, यही आपका उत्तर है। इतनी तेज मल्टीप्लाई तो कैलकुलेटर भी नहीं कर पाता, उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, लेकिन आप तो उससे भी तेज कर पा रहे हो। देखो ऑप्शंस कितने आसपास दिए गए थे, नौ काट दीजिए, चार तीन सात दो नौ काट दीजिए, देखो डिजिटल सम बेटा आठ बन रहा है, ये मेरा उत्तर कभी नहीं हो सकता। नौ तीन चार सात दो नौ, डिजिटल सम सात बन रहा है, ये मेरा उत्तर कभी नहीं हो सकता। छह और तीन नौ, चार चार आठ दो दस, डिजिटल सम एक बन रहा है, उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर केवल फर्स्ट ऑप्शन ही। आपको डिजिटल सम सारे ऑप्शंस का वेरीफाई करना है बच्चों। अगर कभी दो संख्याओं के डिजिटल सम सेम आ जाएं, तो ऐसे में आपको फिर यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, ये लास्ट के दो अंक देखने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात दोस्तों लगानी पड़ेगी, ऐसी कोई बात आपको दोस्तों ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया नौ के डिवाइड के बाद में संख्याओं का योग उतना बन जाता है जितना नौ से भाग करने पर रिमाइंडर बचता है। अगर मैं दस में नौ का भाग करूंगा तो रिमाइंडर बचता है एक, और दस का डिजिटल सम भी एक ही होता है। ग्यारह में नौ का भाग करूंगा तो डिजिटल सम दो बनता है, और देखो रिमाइंडर भी दो ही बन रहा है। मैं बारह में नौ का भाग करूंगा तो डिजिटल सम भी नौ ही बनता है, और दो और एक का जोड़ूंगा भी तीन बनता है। इसी प्रकार आप अगर तेरह में नौ का भाग करोगे, देखो डिजिटल सम भी चार बनता है, अंकों का योग भी चार बनता है, तो सारी बात सेम ही तो है बेटा, सारी बात एक जैसी तो है। अब देखो, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसमें कोई बंदा बोले कि भैया ये गुणा कर दो, भाई गुणा करने में कैलकुलेटर को भी एक बार जोर आ जाएगा, इतने बड़े मल्टीप्लाई को करने में एक बार उसको पसीना आ जाएगा, लेकिन आपको ये करने में दिक्कत महसूस बिल्कुल नहीं हो सकती। आपने कहा जी कैसे, अच्छा आप एक बार ट्राई करना बच्चों, कृपया उत्तर ना बताएं, कृपया उत्तर ना बताइएगा, सारे बच्चे एक बार खुद से ट्राई करना, सारे बच्चों बेटा एक बार खुद से ट्राई करना, आपको कैसे कैसे नियम लगाना है देखो अभी आइडिया आ जाएगा। अच्छा बच्चों, एलजेब्रा के कितने सवाल करना चाहोगे तुम, एलजेब्रा टॉपिक के कितने सवाल करने चाहोगे? ये 200 क्वेश्चन करने वालों, लगभग लगभग 750 मिलेंगे भाई साहब, 750 क्वेश्चन दिए जाएंगे लगभग, और यकीन मानिए उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई आपसे बच नहीं पाएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कोई आपसे बच नहीं पाएगा भाई साहब। कंसेप्चुअल अप्रोच करवाएंगे भाई साहब, कंसेप्चुअल है, शिद्दत से पढ़ाऊंगा अलजेब्रा पूरी, जिन बच्चों को पढ़ना हो बेटा पहली क्लास से पूरा पढ़ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं तसल्ली हो जाएगी भैया, फिर आपकी रेड हैट और आपकी गोल्ड हैट सबके दावेदार हम ही होंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चन बढ़िया सीख लिए तो ना, है ना भाई, फिर तो आपकी मतलब अगर आपको एडवांस पूरा समझ में आ गया, फिर तो भैया आपकी रेड ग्रीन ब्राउन व्हाइट सारी हैट हमारी हो जाएगी ना। ओके चलो, इस सवाल का उत्तर आया, इस क्वेश्चन का उत्तर आया, बहुत बढ़िया, देखो कितनी फास्ट आपने कर लिया। अरे ये मल्टीप्लाई करने में काहे रुकना भाई, चार पांच नौ को काट दीजिए, सात छह तेरह का मतलब चार हो गया, खत्म बात। हाँ मेरे भाई रवि चोपड़ा, आपकी गोल्डन हेड आ गई है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आठ और एक नौ,
दोस्तों ये छह बच गया, सात तो नौ, नौ का दोस्तों छह बच गया। अरे इतना आसान? जी हाँ। अब देखो इसको और भी इजी कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं छह चौका चौबीस, देखो ये देखो इतनी सी बात, इनका मल्टीप्लाई बनता है चौबीस। चौबीस का मतलब बच्चों, चौबीस का मतलब छह होता है क्या? अरे चौबीस का मतलब तो छह बोल सकता हूं। फिर छह गुणा छह छत्तीस, छत्तीस का मतलब नौ, नौ का मतलब बच्चों जीरो बनना चाहिए क्या? अगर मैं इन पूरे सवाल का डिजिटल सम चेक करता हूं तो ये जीरो बनना चाहिए। जीरो के लिए आप देखो तरीका लगा दो बेटा, नौ तो काट, ऐसे निगाहें चलनी चाहिए, नौ के मल्टीपल काटने आने चाहिए। आठ और एक नौ काट दें, छह और तीन नौ काट दें, सात और दो नौ काट दें, पांच और चार नौ काट दें, पांच तीन आठ और एक नौ काट दें, सब कुछ कट गया, जीरो बच गया, यही आपके सवाल का उत्तर है। अब बाकी के ऑप्शन दोस्तों वेरीफाई कर लीजिए, बाकी के ऑप्शन तसल्ली कर लीजिए, उन पर आपको डिजिटल सम जीरो नहीं मिलेगा। जब इन्होंने पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ना बेटा, तो उसमें ये लॉजिक छुपा हुआ था कि आप डिजिटल सम को वेरीफाई कर पाएंगे क्या, आप डिजिटल सम को देख पाएंगे क्या, ये चेक करना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। प्लस पर ये तरीका बहुत स्मूथली काम करता है, माइनस पर ये बहुत स्मूथली काम करता है, मल्टीप्लाई पर बहुत स्मूथली काम करता है, लेकिन दोस्तों डिवाइड के लिए आपको छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। डिवाइड के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा गेम और समझना पड़ेगा। देखिए डिवाइड करने के लिए आप छोटी सी बात और समझना बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, डिवाइड करने के लिए ना सबसे जरूरी डिवाइड जो सबसे इजी होता है ना, वो होता है बच्चों एक से डिवाइड करना। देखो कोई भी संख्या है उसको एक से डिवाइड करूंगा तो संख्या सेम ही आती है। अब मेरे डिवाइड में देखो आप बताओ, बटा में दो भी आ सकता है, बटा में तीन भी आ सकता है, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल सम के, कि बटा में डिजिटल सम दो आ जाए, डिजिटल सम तीन आ जाए, ऐसा बेटा बटा में देखो पांच आ गया, बटा में सात आ गया, बटा में आठ आ गया, सॉरी छह भी तो आ सकता है, छह भी आ सकता है, सात भी आ सकता है, आठ भी आ सकता है, और बटा में नौ, ऐसे डिजिटल सम के लिए अगर मैं चेक करता हूं डिवाइड में, देखो बटा में दो भी आता है, तीन भी आता है, चार भी आता है, पांच भी आता है, छह भी आता है, सात भी आता है, आठ भी आता है, और नौ। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे डिवाइड में अगर मुझे सवाल में एक से भाग करना पड़े ना एक से, तो उससे तो आसान चीज कोई होती नहीं है। एक से डिवाइड करना पड़ जाए उससे तो आसान चीज कोई होती नहीं है, उससे तो आसान खेल कोई होता नहीं। तो आप मुझे बताओ जब भी कभी आपके बटा में दो आए, बेटा मैं इस सवाल में ऊपर नीचे पांच से गुणा कर लूं क्या? ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर यह होगा भाई, बटा में हो जाएगा दो गुणा पांच, दो गुणा पांच का मतलब होता है दस, दस का मतलब होता है एक। मैं तो डिजिटल सम की बात करता हूं, तो दस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक। एक का मतलब कोई नंबर में एक से डिवाइड करना है तो आपको कोई हार्डवर्क करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू बेटा मैं अपने इस बात को एक बार आपको बोलना चाहता हूं, जरा समझिएगा। आपको मैंने बोला भाई कि 212 को दो से भाग करना है, ठीक है, दो से बता रहा हूं आसान। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं अपन। मैं आपको ये कहता हूं बेटा चार पांच एक को मैंने 11 से भाग करना है, 11 से। अब वैसे तो आपको पता है कि 11 गुणा चार चौवालीस, 11 एकम 11 उत्तर बनेगा 41, आपको पता है 41 बनेगा। लेकिन मैं दोस्तों इस सवाल में आपको डिजिटल सम बताना चाहता हूं, डिजिटल सम क्या आएगा? देखो ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना, एक आ रहा है क्या? एक। ऊपर वाले का डिजिटल सम एक आ रहा है, नीचे वाले का डिजिटल सम दो आ रहा है क्या? ऊपर वाले का डिजिटल सम एक, नीचे वाले का डिजिटल सम दो। अब दोस्तों बटा में अगर दो आ जाए ना तो ऊपर नीचे पांच से गुणा कर लिया करो, ऊपर नीचे पांच से गुणा कर लिया करो। ऐसा करने पर देखो बेटा
ऊपर तो बन गया 5 और नीचे बन गया 1, यानी उत्तर का डिजिटल सम कितना आया बच्चों? 5। आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप ऑप्शन से बात को डायरेक्टली समझ जाओगे कि डिजिटल सम हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब भी बटा में 2 आएगा ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लोगे? जी हाँ। जब भी बटा में 4 आएगा 4 बेटा ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लेना 7 से। कारण भैया 7 चौका 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। मेरा दोस्तों टारगेट है मैं बटा में 1 चाहता हूं, मेरा टारगेट है मैं बटा में 1 चाहता हूं। आप एक सवाल देखिए, 195 को मुझे 13 से डिवाइड करना है, 195 को 13 से डिवाइड करना है बेटा। इसका देखो डिजिटल सम 4 बनता है, ऊपर वाले का 6 बनता है, तो आपने कहा जी 6 गुणा 4 हो गया, 6 बटा 4 हो गया। मैं कहता हूं ऊपर नीचे 7, 7 से गुणा कर लो, ये लो 7 छिका 42, 42 का मतलब 6 बटा 1 बनेगा, तो आपका उत्तर आना चाहिए 6। और अब चेक कर लो 13 में 195 को भाग दोगे तो उत्तर आता है 15, और देखो 1 और 5 कितने होते हैं? 6। आगे बात समझ? तो बेटा अब आप मुझे बताना कॉमन सेंस से, 5 के मामले में ऊपर नीचे 2 से गुणा किया जाएगा क्या? नीचे अगर 2 बनता हो तो 5 से गुणा कर लेना, 5 बनता हो तो 2 से गुणा कर लेना, 4 बनता हो तो 7 से गुणा कर लेना, 7 बनता हो तो 4 से गुणा कर लेना। अरे 7 चौका 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। 2 के मामले में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 के मामले में 7 से ऊपर नीचे गुणा करना है, 5 के मामले में 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है बेटा, 8 के मामले में ऊपर नीचे 8 से गुणा करूं क्या? 8 8 64, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। लेकिन बेटा इसको ना आप 3 6 और 9 पर एग्जैक्टली नहीं लगा पाओगे, 3 6 और 9 के लिए आपको समथिंग एल्स और ट्राई करना पड़ेगा। 3 6 और 9 पर ये डायरेक्ट हम इस प्रकार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये 2 पर 4 पर 5 पर 7 पर 8 पर कर सकते हो। 3 6 9 यानी 3 के मल्टीपल जो आते हैं इन पर थोड़ा अलग नियम लगता है, इन पर थोड़ी अलग कहानी बनती है, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप इस तरीके पे कमांड करो बेटा, पहले आप इतनी बात पे कमांड करो जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक बार इस सवाल को और देखें, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि डिजिटल सम क्या बनना चाहिए, सिर्फ इतना बताना बेटा डिजिटल सम क्या बनना चाहिए पूरे सवाल का। अबे 0 कैसे बना रहे हो, 6 बनेगा ना, 0 कैसे बना रहे हैं? एक दो बच्चों ने कमेंट कर दिया 0, तो सारे पीछे पड़ गए 0 के। 0 से इतना दुर्व्यवहार क्यों करते हो भाई? 7 और 2 9 काट दीजिए, यहां से 5 बचेगा, 8 और 1 काट दीजिए, यहां पर 2 बचेगा, यहां 6 बनेगा, 8 दुनी 5 दुनी 10, 10 गुणा 6 60 का मतलब 6 ही तो आएगा। अब 6 कहां बनता है आओ चेक करें, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 9 को 9 काटे दो, 9 को 9 काटे दो, 6 4 10 और 4 14, बेटा 14 का मतलब बनता है 5, 1 मेरा उत्तर नहीं है। मल्टीप्लाई करने से ये बहुत आसान रहेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने की बजाय ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। एक और देख लो भाई, 7 2 9 काट दो बेटा 4 हो जाएगा, 5 4 9 काट दो ये 2 हो जाएगा, 7 2 9 काट दो ये 6 हो जाएगा, 4 2 8 8 6 48, 48 का मतलब 3 बनेगा। बड़े बड़े मल्टीप्लाई, जरा ऑप्शन चेक करके बताओ उत्तर क्या बनेगा।
अरे लैग नहीं था भाई, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ अर्जेंट काम कर रहे थे। तीन बनना चाहिए, 6 और 3 9 खत्म बात, 6 और 3 9 खत्म बात, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 का मतलब 2 बन रहा है, उत्तर तो नहीं है। 6 3 9 काट दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए, 4 6 10 का मतलब 1 और 7 आठ, 7 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब क्या हो गया 3। अगर इसमें भी अपन चेक करते हैं, देखो 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 4 21 का मतलब 3, ठीक है। 4 3 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 का मतलब 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 का मतलब 2। अब देखो जी, अब थोड़ा सा धर्म संकट अपने पास ये आ गया कि सर इनमें से या तो उत्तर बनेगा बी और या बनेगा सी। अगर कभी पेपर में इस कंडीशन में आप फंस जाओ, हालांकि वैसे कोई ऐसी बात पेपर में आती नहीं है, लेकिन बेटा अगर कभी आप इस कहानी में फंस जाओ तो अब बताओ इसके लिए आगे काम क्या करोगे। बेटा अब इसके लिए आगे काम क्या करोगे, किसी बालक को आइडिया पड़ रहा है कि अब इसके लिए आगे काम क्या करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, आपने नहीं लास्ट के 2 डिजिट चेक करने सीखे हैं, यूनिक डिजिट तो सेम मिलता है, लास्ट के 2, इतनी बड़ी संख्याओं को चेक मत किया करो बेटा, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने का तरीका आना चाहिए, कितना ही बड़ा मल्टीप्लाई हो जाए लास्ट के 2 डिजिट तो निकालने आने चाहिए ना बेटा। लास्ट के 2 डिजिट पता है किसे निकलते हैं, मेरी बात समझना, कोई भी संख्या है, मैंने ये मान ली 6 8 7 5 2, अगर मैं इस नंबर में 100 का भाग दूंगा, अगर मैं इस नंबर में 100 से डिवाइड करूंगा, बच्चों रिमाइंडर जो बचेगा वो लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे। अरे रिमाइंडर जो बचेगा क्या वो लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे बेटा? अरे इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई मत करना, इसको थोड़ा आसान कर लेना बेटा, आप लास्ट के 2 डिजिट की बात कर लिया करो, आप लास्ट के 2 अंकों की बात कर लिया करो बेटा। अगर बताओ इसमें, ये आपको सिखाएंगे नंबर सिस्टम में, 73 बचेगा, इसमें 54 बचेगा बेटा, और इसमें बचेगा माइनस का 73 क्या, या प्लस का 27 मान, ये ऐसे। तो ये जो बचते हैं आपके लास्ट के 2 डिजिट, आप इनसे अपनी बात को वेरीफाई कर पाएंगे बच्चों, इनसे अपने सवाल को बना सकते हैं, ये तरीका भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम का पार्ट है, दोस्तों ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम की बात है, अगर आप इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट देख लेना बेटा, आपका उत्तर बनेगा बी वाला। इतने छोटे छोटे नंबर पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको तरीका पता है, अगर थोड़ी सी बात आपको आइडिया पड़ रही है तो लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट पे काम हो जाएगा। और 2 डिजिट के लिए बेटा 100 से भाग करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट के लिए 1000 से भाग करते हैं, ये डिवाइड करने की आर्ट है। सवाल नंबर 5 तो सेम है, अब ये देखो बेटा ये क्वेश्चन बताओ किस टॉपिक का है भाई, ये सवाल बताओ किस टॉपिक का है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 100 से डिवाइड करना है, उससे आपको लास्ट के 2 अंक मिल जाएंगे। अरे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? क्या दोस्तों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? सॉरी, ए माइनस बी का, आगे बात है, देखो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही तो लिखा हुआ है, ये माइनस 2 ए बी, मोदी जी वाला याद है तुम्हें,
ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी एक्स्ट्रा आया ना, टू ए बी एक्स्ट्रा आया ना, कहां से आया, टू ए प्लस बी, ए बी ए बी का होल स्क्वायर, बी ए बी स्क्वायर, ऐसे बोले मोदी जी, एक्स्ट्रा टू ए बी कहां से आया। तो आपका सवाल डायरेक्ट ये बन गया, एक माइनस छह 1.04 का होल स्क्वायर, 0.92 का होल स्क्वायर, 0.92 का करना है आपको होल स्क्वायर। बच्चों आप मुझे एक छोटी सी बात बतला दो, मैंने आपको स्क्वायर नंबर में 92 का स्क्वायर करना बताया था क्या? ये नंबर 100 में से 8 कम है, 8 कम और करोगे 84, 8 का स्क्वायर 64, आपका उत्तर बन गया डायरेक्ट बी। ये चीज तो अपन करते हैं बेटा मैथमेटिकल गणित से, लेकिन डिजिटल सम इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम ये चाहते हैं डिजिटल सम चलेगा क्या, अब वो सीखो बेटा। इधर बन रहा है 7, इधर बन रहा है 7, 7 49, 49 का मतलब बेटा बताओ इतनी बात का डिजिटल सम 4 बनेगा क्या? अरे बोलो, ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 5, 5 5 25 का मतलब 7 बनेगा दोस्तों, 25 का मतलब 7 बनेगा, 8 और 2 10 1 इसका मतलब 7, 1 गुना 7 का मतलब 7 बनेगा, जी हां 7 से 7 कट गया बच्चों, डिजिटल सम 4 आना चाहिए क्या, डिजिटल सम 4 आना चाहिए क्या? 8 और 4 12, 12 और 6 18 काट दीजिए, डिजिटल सम 4 बन रहा है जी, 4 ही आपके सवाल का उत्तर बन। अरे ये क्या हुआ, इतना आसान बन गया? हां हां बाबू जी हां, देखो भैया ये बात आ गई है परसेंटेज की, दोस्तों ये बात आ गई है परसेंटेज की, लेकिन हम तो यहां डिजिटल सम पढ़ रहे हैं भाई, हम तो यहां डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, आपको सवाल में पॉइंट वॉइंट मिल जाए तो चिंता करने की नीड नहीं है, आसान चीज होती है। दोस्तों ये बताओ 31 गुणा 120 बटा 100 करना पड़ेगा ना, बटा 100 का मतलब बटा में एक ही तो है, तो परसेंटेज का और पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम में परसेंटेज और पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बनेगा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12, 12 का मतलब इस चीज का डिजिटल सम 3 बनेगा। अरे डायरेक्ट लिखना सीखो बाबूजी, हाँ इधर देखो जी 7 गुना 8 6 14 और 2 16, 16 का मतलब बेटा 7, 7 7 49, 49 का मतलब 4 बनेगा क्या? यहां आप मुझे बताओ x गुणा 5 बनेगा क्या? ठीक है बच्चों ये देखो 7 बराबर x गुणा 5 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 7 बटे, आपने कहा सर बटा में 5 आ जाए तो आपने बताया था ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेना चाहिए, तो ये बन गया 14, 1 और 4 का मतलब 5, मेरा उत्तर वो बनेगा जिसका डिजिटल सम 5 आता हो, डिजिटल सम 5 वाला उत्तर दोस्तों टिक कर दीजिए, 100% सही उत्तर है। तीन चार में कुछ है नहीं भाई, तीन चार की मेरी बात समझो, ये 31 इंटू 120 बाई 100 तो करना होता है, तो बटा में 100 का कोई सीन नहीं है, पॉइंट को परसेंटेज को माइंड मत करो, 3 और 1 कितना बन गया 4, 2 और 1 कितना बन गया 3, 4 गुणा 3 12, तो 12 का मतलब ये 3 ही तो बनेगा, 12 का मतलब ये 3 तो बनेगा, और देखो ये 5 और 2 7,
14 और दो 16 का मतलब 7, 7, 7, 49 49 का मतलब बेटा 4 ही तो होता है, तो कुल मिलाकर आपको करना है 7/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, 14 का मतलब बेटा 5 आपका उत्तर आ गया, 5 केवल ऑप्शन नंबर बी में। जब कोई सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ जाती है दोस्तों, ये सवाल आपके लिए एक वरदान के रूप में बन के आते हैं, ये सवाल दोस्तों आपके लिए बड़े इजी प्रकार से करने की आर्ट आते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल ध्यान समझना बेटा। देखो आप एक लाइन में सवाल करना सीख जाओगे, यहां से बताओ केवल दो ही तो बचेगा, 2 × 8 और 8 16 16 का मतलब 7 होता है क्या? अरे भैया 8 और 8 16 का मतलब 7। अब 7 × 14 क्या इस पहले वाले पार्ट का मतलब 5 हो गया क्या? 7 × 14 14 का मतलब 5 हो गया। अच्छा इसकी भी बात कर लो, 6 × 4 10 से 11 इसका मतलब 2 है, 5 × 10 15 इसका मतलब 3 है, 2 × 3 6 बनेगा। बोलो 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 बोलो, 2 × 3 6 बनेगा बराबर दोस्तों 2 × x बनेगा। अब आपने कहा गुरु जी -1 बन गया, -1 प्यारे दोस्तों -1 तो कभी आता नहीं है ना, तो इसको देखो आपको 8 मानना पड़ेगा, माइनस में 1 आ जाए ना तो 9 जोड़कर इसको 8 कर लीजिए, 9 जोड़कर आपका डिजिटल सम इक्वल आना चाहिए। 15 का मतलब, अरे यहां पे 6 आएगा ना भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 × 12 12 का मतलब 3, अरे अरे गलत कर दिया सॉरी, भावनाओं में बह गए। 15 का मतलब 6 × 6 = 12 12 का मतलब 3 है, फिर तो काम आसान ही हो गया, 2 = 2x आ गया, ये और ये कट गया बेटा, x का मतलब 1 आएगा क्या, x का मतलब 1 आएगा, और जहां पर कहीं 1 बनता हो, जिस ऑप्शन में 1 बनता हो वो टिक कर लीजिए, 9 × 11 बन रहा है नहीं बनेगा, 9 × 9 6 बन रहा है नहीं बनेगा, 5 बनेगा और ये दोस्तों 1 बनेगा। यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का उत्तर है। क्या सर हमें इतनी छोटी सी बात एग्जाम में टिक करके आनी चाहिए? हाँ सर, ये पॉइंट वॉइंट आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, पॉइंट से कोई डरने वाली बात ही नहीं है। 5 और 3 8, 1 और 2 3, 8 × 3 = 24, 24 का मतलब 6 कर लूं क्या? परसेंटेज को पॉइंट को माइंड मत किया, प्लस 5 और 2 7, 8 और 6 14 और 2 16 7, 7 × 7 49 का मतलब 4 मान लूं क्या? बराबर x गुणा 5 दोस्तों, x का मतलब आ गया 10/5, 10/5 का मतलब 2 कर लोगे क्या? आपके दोस्तों सवाल का उत्तर वो आएगा जहां डिजिटल सम 2 बनता हो, इधर तो 7 बन रहा है, 5 × 5 = 10 = 8 = 18 इधर 2 बन रहा है, 6 × 8 = 14 और ये 2 नहीं बन रहा और ये भी नहीं बन रहा, उत्तर केवल बी ऑप्शन आएगा। ये बैंकिंग के सवालों में बच्चों आपके लिए रामबाण काम करता है, बैंकिंग में तो कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की आती है, वहां पर ये मामला आसान है। 3 × 00 45/415 आप सम तो करो, 4 × 5 = 9 ऊपर बनेगा 3, 4 × 5 = 9/1 उत्तर 3 आना चाहिए, 7 और 3 10 नहीं आ रहा, 7 और 2 9 3 आ रहा है बेटा, बताओ एकदम शालीनता से चेक कर पाएंगे दोस्तों। ये आपकी बात हो गई डन, ये दोस्तों आपका मैंने आपको बताया डिजिटल सम को पेपर में अप्लाई कैसे करना है, उसका मेथड क्या बनना चाहिए बच्चों, ये आप लोगों का पूरा मामला हो गया। तो आज बच्चों अपन ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल आपकी अर्थमेटिक हो चुकी है पूरी, अर्थमेटिक में किसी प्रकार का कोई सवाल डाउट बाकी नहीं है बच्चों, फिर भी कोई सवाल आपका बचे तो आप जरूर हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों।
अब 9 जून से करेंगे सफर स्टार्ट अलजेब्रा का। सारे बच्चे उस क्लास को जरूर पढ़िएगा, अपने मित्रों को रिकमेंड कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त कंप्लीट जानकारी पढ़ना चाहते हैं एडवांस की, आप उनको बेटा सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं बेटा, आपके वो दोस्त निराश परेशान नहीं होंगे, वो आपको यकीनन बोलेंगे कि भैया मजा आ गया। ठीक है बेटा, बाकी जो 3-6 वो का नहीं है बेटा, वो बताएंगे अगली बार में, आज को इतने पढ़ेंगे। आज आप बेटा इस बात को ट्राई कीजिएगा, इस बात को पढ़िएगा, फिर जब नंबर सिस्टम टॉपिक करवाया जाएगा तो डिजिटल सम आपके लिए बहुत बढ़िया से एक बार और करवाया जाएगा, जिसमें बेटा आपको 3-6-9 सब कुछ करवाया जाएगा कंप्लीट। बैच लाइव कभी भी हो, बैच लाइव चाहे 8 तारीख को हो, बस ये कंफर्म मान लो कि 9 जून में सुबह 10 बजे से आपका एलजेब्रा स्टार्ट होगा। सेव द डेट 9th of June, यही मिलेंगे बच्चों। चलिए शेड्यूल रखिए फाइनल, नई नई कॉपी नई नए पेन लेके आइएगा, 9 जून को 10 बजे अपन एडवांस स्टार्ट करेंगे बच्चों। शुक्रिया, नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत।